नमस्कार, पॉजिटिव भारत सहित मु विकास बुलेटिन आरंभ करबा हेडलाइंस रो। खूब शीघ्र आसीबा प्रथम स्वदेशी डीएनए टीका। अहमदाबाद रो फार्मा कंपनी जाइडस काडिला पक्षरु विकसित 12 रु 18 वर्ष पिलांक ठारे करा जाउची परीक्षण। जाइकोव डी टीका रे नेबाकु पडिबो 3टी डोज। देशरे कमुचि संक्रमण, दिनक 58419 जन आक्रांत चिन्हट। आक्टिव केस लोड 7,29,000, सेपटे 3.22% कु खसिला दैनिक पॉजिटिविटी हार। जम्मू काश्मीर को नहीं महामंथन, दूर हो पारे राजनैतिक अस्थिरता। सबु पार्टी को मीटिंग पाई निमंत्रण, 24 जून रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डाकिछन्ति सर्वदलीय बैठक। वाईफाई दिवस रे काश्मीरवासी को बड़ उपहार। उपत्यकार श्रीनगर स्टेशन सहित 15 रेलवे स्टेशन में आरंभ हला वाईफाई फैसिलिटी। डिजिटल इंडिया मिशन दिगरे बड़ पदक्षेप कहले केन्द्रमंत्री पीयूष गोयल। निर्वाचन प्रचार करिब रोबोट। कोरोना स्थिति को देखि नुआ ढंगरे हेबो 2022 निर्वाचनी प्रचार। राजनैतिक नेतांक तरफरु प्रचार करिपारे ह्यूमानॉइड रोबोट। वन स्टैंड इंडिया विकसित करिछि रोबोट दूत। आसवा संपूर्ण खबर को। देश में ह्रास पाइबारे लागिछि कोरोना आक्रांतों संख्या, से हीपरी मृतकों संख्या भी एबे कम रहुछि। गत 24 घंटा रे देश में 58419 जन आक्रांत चिन्हट होती। से हीपरी 87619 जन कोरोनारु सुस्थ होइतबा नै मध्य रिपोर्ट रहुछि। गत 38 दिन धरी देश में चिन्हट आक्रांतों संख्या ठारु आरोग्यों संख्या अधिक रहुछि। आक्रांतों संख्या कमिबा सह देशर एक्टिव केस लोड मध्य कमिबारे लागिछि। देशर वर्तमान एक्टिव केस लोड 7,29,243 रहिछि, जहाँ समुदाय पॉजिटिव केस रो मात्र 2.44%। सेहिपरि दैनिक पॉजिटिविटी हार 3.22% रहिछि। लगातार 13 दिन धरी 5% तले रही आसुछि दैनिक पॉजिटिविटी रेट। सेहिपरि देशर वर्तमान आरोग्य हार 96.27% रे पहुँचिछि। देशरे खूब शीघ्र मिलिब प्रथम स्वदेशी डीएनए टीका। अहमदाबाद रो फार्मा कंपनी जाइडस काडिला पक्षरु प्रस्तुत कोविड टीका जाइकोव डी खूब शीघ्र बाजार को आसीबार संभावना रहिछि। कंपनी ए टीकार जरूरी व्यवहार पई आसंता सप्ताह रे आवेदन करबा नै के मध्ये अपडेट रहिछि। उक्त टीका को कर्तृपक्ष मंजूरी देले एहा हब विश्वर प्रथम डीएनए टीका। भारतीय मानकु एबे कोविशील्ड, कोवैक्सीन एवं स्पुटनिक भी टीका मिलिथबा बेले चतुर्थ टीका भाबे जाइकोव डी मिलिजिवो। तृतीय लहर को आखि आगे रखी ए टीका को 12-18 वर्ष पिलांक मध्यरे परीक्षण मध्य करा जायतिबा सूचना रहिछि। तेनु जाइडस काडिलार टीका उक्त वयस वर्गर पिलांक दियाजिबार जथेष्ट संभावना रहिछि। डीएनए प्लाज्मिड भित्तिक जाइकोव डी टीकार 3टी डोज नेबाकु हेबो बोली सूचना मिलिछि। एहा एक मात्र टीका जेउथिरे 3टी डोज नेबाकु पड़े। आपण जानथिबे पूर्वरु 2टी डोज निया जाउछि अनेक टीकारे, किंतु एथिरे 3टी डोज नेबाकु पड़िबो जेउ माने कि कोरोनारु निजकु रक्षा करबाकु चाहुछन्ते। सेपटे गत जून 7 रे प्रधानमंत्री घोषणा अनुसार आसंता काली अर्थात जून 21 रु सारा देश रे लोगों को मागणा टीका मिलिबो। टीकाकरण रही पर्याय 18 वर्ष रु अधिक नागरिकों मागणा रे टीकाकरण करा जिवो, जार पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करिवे। वर्तमान राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश गुड़िक पाखापाखी 3.6 करोड़ लोकों टीका उपलब्ध करा जाइछि। आसंता 3 दिन मध्य 24,53,000 रु अधिक टीका जोगाजिवो बोली मध्य केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय पक्षरु कहाजाउछि। केंद्र सरकार वर्तमान सुधा राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश गुड़िक 29 कोटी रु अधिक टीका जोगाई सारे। टीकाकरण कार्यक्रम में 155 दिन में देश में 27,62,000 रु अधिक लोकों टीका दि सर नहीं कि लेटेस्ट अपडेट रही। तबे टीका नेबापाई जने 6 वर्षर झियो लोकों को अपील करुची, जहाँ वीडियो एबे सोशल मीडिया रे शेयर करिची केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा दादू दादी सब ने वैक्सीन लगवा लिया है, क्या आपने लगवाया? नहीं लगवाया तो जल्दी जाइए और लगवाइए, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा है। हम लोग अगर वो लगा लिया तो हम हर जगह जा सकते हैं, जैसे कि स्कूल और पार्टी करने और हमारे दोस्तों के साथ कहीं भी।
तो अगर आपने वैक्सीन लगवा लिया तो हम कोरोना से फाइट करेंगे। जल्दी आप वैक्सीन लगवाइए, हम सब मिलके फाइट करेंगे। ओके, थैंक यू। देश में टीकाकरण प्रक्रिया को जोरदार करने की ये हेउची प्रयास। केंद्र सरकार को नुआ टीका नीति अनुजाई हेबो टीकाकरण प्रत्येक दिन 3 लाख टीकाकरण करने टार्गेट रखिछन्ते सरकार। आसंता काली राज्यर समस्त ब्लॉक और म्युनिसिपालिटी रे कैंपेन मोड रे हेबो टीकाकरण। उभय राज्य आनिथिबा एवं केंद्र सरकार जोगाइथिबा टीका लोकंकु दियाजिबो। प्रत्येक ब्लॉक रे 5टी सेशन, एनसी रे 5टी लेखाई सेशन, पौर परिषद रे 10टी, महानगर निगम रे 20टी सेशन करने स्वास्थ्य विभाग पक्षर कहा। उभय ऑनलाइन एवं ऑफलाइन रे टीकाकरण जिला स्तर रे योजना मध्य करा जिवो। सठिक समय रे द्वितीय डोज दिया गुरुत्व दि जाऊँच। एने समस्त जिलापा स्वास्थ्य विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव निर्देश मध्य दे सारी। बुलेटिन आगको खबर जारी रहा किंतु नहीं एक छोट ब्रेक। ब्रेक पर फेर खबर को मोदी काश्मीर चिंता। जम्मू काश्मीर स्थितर सुधार पर केन्द्र एवं प्रयास। आसंता सप्ताह सर्वदलीय बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली में बैठक करार संभावना। जम्मू और काश्मीर राजनेता सर्वदलीय बैठक पर दिल्ली डकरा सारी। जून 24 प्रधानमंत्री मोदी बासभवन में सर्वदलीय बैठक में भाग ने जम्मू काश्मीर राजनेता नेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्य फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती समेत 14 जन प्रमुख राजनेता आमंत्रण करते केन्द्र गृह सचिव अजय भल्ला जहाँ कहु। आरटीपीसीआर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट सह से आसवाक कहा। धारा 370 उच्छेद पर एभली प्रथम बैठक आसंता 24 तारीख में होगा जाता बेले क्रमश कटका कोहल पर विधानसभा निर्वाचन आड़क जम्मू काश्मीर राजनैतिक प्रक्रिया को आगे बा बैठक में मानस मंथन करमान केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह अन्य केन्द्रमंत्री मैंने बैठक में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, ताराचांद, पीपुल्स कन्फरेन्स नेता मुजफर हसीन बेग, बीजेपी नेता निर्मल सिंह, कविंदर सिंह, रविंदर रायना प्रमुख नेता डक। अनेक नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, सीपीएम नेता माने बैठक में जोगदेवे कि ना निज निज दल मध्य बैठक कर निष्पत्ति ने जनईं। तेज जातीय गणमाम मिलता सूचना अनुसार 24 को लेकिन बैठक में मोदी डाकि बैठक में जोग देवे कि ना से आज किसी दल आलोचना करे जमापड़ी। एने अधिक आलोचना करने आम सहित वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ डॉक्टर सीताकांत मिश्र सीधासलख भाव जोड़ी जाइंट। डॉक्टर मिश्र आपन को स्वागत करुच्ची आलोचना को। ये काश्मीर को लेकिन एक बड़ मानस मंथन करा कि एक प्रयास चली केन्द्र सरकार पक्ष एक बड़ निष्पत्ति निपर काश्मीर डेवलपमेंट नि जिते बड़े जम्मू काश्मीर लद्दाख एवं कहींपर काश्मीर एवं यूनियन टेरिटोरीज होगापर एभली एक बैठक एपटे कोरोना सहित देश एक लड़े चलती सेपटे घाटी में किभली शांति फेर आणव से समय बैठक आस लगुच आपको मेन मुद्दा कौन हो बैठक डाकबार। देखो यहाँ गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण बैठक हवाक जा प्रथमतः यहाँ प्रधानमंत्री वेरी फास्ट इंटराक्शन जो आंचलिक दल मान सहित तेनाली बहुत बड़ निर्णायक भी हम यहाँ यथार्थवादी डिसाइसिव आउ रियलिस्टिक भी डिसाइसिव ये जे एटा गोटे प्रथम मौका आंचलिक प्रथम एवं शेष मौका बोध हुए आंचलिक दल मानी से जो केन्द्र सरकार जो नो शांति बार्ता को आक्सेप्ट करने वास्तविकता यही जे आंचलिक दल मान बिना सहयोग रे जो जम्मू काश्मीर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट गुड़ाक सक्सेसफुल हबनी। आ द्वितीयतः जोटा कि इम्पोर्टेंट एक्चुअली केन्द्र सह तिक्तता भाव देखी आंचलिक दल मानक अस्तित्व भी रही रियलिस्टिक किंतु देखा गले एजेंडा कौन आलोचना हम बहुत उत्कंठा रही गुड़े रिपोर्ट कौन हुए तो जम्मू काश्मीर से स्टेटहुड पुणी परिवर्तन करा जीवो से स्टेटहुड को निया किंतु धारा 370 लागू हबनी सेटा जदि हुए एटा गोटे बहुत बड़ा डेवलपमेंट हम आउ जदि आपण देखिबे जो 7-8 आंचलिक दल बा गोष्ठी माने से माने गोटे अलायंस करथिले जाकू गुपकार अलायंस कहा जाए से माने गोटे गठबंधन करचेंदे से माने गोटे कॉमन फ्रंट रखिबे ई मीटिंग रे बोली जणा पडची। आउ जेमिति कहिले जे आगो को निर्वाचन भी आसुची एई निर्वाचन रे जदि आंचलिक दल माने सहयोग न करिबे आगुर जेमिति से माने बॉयकॉट करथिले जदि एथर आउ थरे सहयोग न करंती बा पदा को न आसंदी ताहले बोध हुए जम्मू काश्मीर जनसाधारण भी भूल जीवे कारण गत थर जो जनसाधारण कथा जहाँ आप कहते बड़ पॉइंट है
जे आपण 70 वर्षर इतिहास देखंतु काश्मीर ही भारतर सबुटु बड़ मुंडबेथर कारण पालटिचे जेहेतु आतंकवादी माने अनुप्रवेश करथांती आंचलिक दल मानक भूमिका सबुबले सेटिना किछना किछि गोटे मोड परिवर्तन करिचि लोकमानक मत बदलै बारे आ लोकमानक जेतेबेले केन्द्र सरकार जेतेबेले भी सरकार होंतु लास्ट 6 वर्षर देखिबा शेष 6 वर्षरे जेबे भी केन्द्र सरकार सेटि किछि परिवर्तन आनिबाक चेष्टा करचोंदि आतंकवादी गतिविधि बढ़िचे आ सेहि समय बड़ कथा आला जहाँ सबुबले आश्चर्य करथाय जे आंचलिक दल मानक समर्थन नयनताए केन्द्र सरकारक प्रति एबे जेहेतु जम्मू काश्मीर एक परिवर्तन आसुची निर्वाचन कथा आपण कहउछन्ति जे निर्वाचन होबाकु जाउची आंचलिक दल माने ये बैठक को आसीबे ये जदि पूर्व भली जेमति मतांतर होतला सेमति स्थिति उपजिवो तबे काश्मीर भविष्यत निहत भाव एक भिन्न मोड आगु गति करिवो मते लागुनी सेई भलिया केछि होबो आंचलिक दल माने निश्चित भाबरे सदाबेले गोटे तिक्तता भाव रखि आसीचन्ति केन्द्र सरकार सहित एटा आमे गत किछि वर्ष होला देखि आसीचे किंतु धारा 370 उच्छेद परे जो पंचायत इलेक्शन गुड़ाक है से आंचलिक दल जम्मू काश्मीर आंचलिक दल मैंने पार्टिसिपेट कले बयकट करते कि फलाफल कौन है सबू जनता बहुत एंथुजियास्टिक होकर भोट देते तेणु यहाँ सब्यस्त करूँ आंचलिक दल मैंने अलरेडी जम्मू काश्मीर जनता पाखे दोषी ही सारी तेणु यही मौका जदि से केन्द्र सरकार सहित हाथ न मिले जदि इलेक्शन आगे आगामी इलेक्शन से रास्ता को न आसती आयोग न करती गोटे बड़ मौका खसीज देशर प्रगति स्रोत में सामिल हाँपी एटा बहुत बड़ व्यक्ति मानते वक्तव्य मुझे कि गोटे बहुत बड़ मौका आंचलिक दल मानी है तो तृतीय जदि आप देखिए विगत 2 वर्ष है जम्मू काश्मीर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट गुड़ाक सब हेल्डअप होती जहाँ भी जारी रही बहुत स्लो गति में जा आउ जदि आंचलिक दल माने ए भितरे सामिल न हबे ए स्रोतरे सामिल न हबे सेमाने तांकर अस्तित्व मध्ये हरेइबे तण सेइटा गोटे बहुत बड़ यूनो झटका लागिबो आंचलिक दल मानक पई गत शुक्रवार दिन अमित शाह जो स्टेट रो प्रशासन सहित मीटिंग करी आंच जेतक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट रो यूनो प्रोग्रेस रो समीक्षा करी जहाँ सहित डॉक्टर सीताकांत मिश्र थे जी आलोचना करुते कि भाव में वर्तमान स्थिति रही जम्मू काश्मीर एक प्रकार मानस मंथन करने की एक बड़ निष्पत्ति आसीपे बट कि कौन से बड़ निष्पत्ति नजर रही आसंता 24 तारीख में जमापड़ जे कौन निष्पत्ति जाऊँगी कि बड़ खबर है मोदी एवं काश्मीर चिंता जम्मू काश्मीर स्थितर सुधार पर केन्द्र एक बड़ प्रयास आसंता सप्ताह सर्वदल बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी डॉक्टर सीताकांत मिश्र आम सहित अच्छा डॉक्टर मिश्र जदि काश्मीर कथा कहबा जे आम देखीचु जेबे ठारु यूनियन टेरिटोरीज हेलाड़ी ये आलियांस करुचंदि आंचलिक दर माने गुपकार गोटे आलियांस से आसीथला ये विपद बढ़ाऊ कि काश्मीर जनसाधारण जो मैंने निर्वाचन प्रक्रिया सामिल हो निजर मत दबाक चाहूँगी आंचलिक दल मानक मतभेद और केन्द्र सहित जेहेतु तालमेल गोटे प्रकार रोनी ये ब्लॉक करुच्छी कि योजना सब लोक पहुँचापी निश्चित भाव में आंचलिक दल मैंने ग्राउंड रे काम करेजेन्स रही अस्तित्व से रही सहित लोकों डायरेक्ट संपर्क रही जदि से बाधा विघ्न उपजेबे ग्रासरूट लेवल ले, कौन सी योजना से कार्यकारी करा मुस्किल तेणु आंचलिक दल मानकर सहयोग में बहुत डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट भलर कनक्लूजन हो पार आईटा ही एक्चुअली रियलिस्टिक असेसमेंट तेणु मत लगुच प्रधानमंत्री से आगामी जो आलोचना हम से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट समीक्षा भी करा से सहित सहयोग सहानुभूति नहीं कि यहाँ आगे जावा आश्योरांस भी दिजिव तेणु यहाँ गोटे शेष बार्ता डिसाइसिव कंक्लूसिव स्टेट यहाँ आंचलिक दल मानकर सहयोग भिक्षा करवा देखा दरकार जे तुम वास्तविकता और तुम जो अस्तित्व ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को लेकिन हूँ आउ जम्मू काश्मीर जनता माने गत पंचायत इलेक्शन में सब्यस्त केंद्र सरकार को बहुत वेलकम करी भाई जड़ी अच्छा तेणु वर्तमान एक निष्पत्ति नेबार समय आंचलिक दल मान एकजुट होवार अच्छी केन्द्र पक्ष बैठक डक बैठक में कौन निष्कर्ष बाहर कौन रोच मत आंचलिक दल मानते समस्त नजर रही बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सीताकांत मिश्र जी थे आम सहित आलोचना करुते बर्तमान बुलेटिन समय हो एक छोट ब्रेक र ब्रेक पर फेर खबर को खोलू देशर राजधानी दिल्ली देशर राजधानी रे कोरोना मामला ह्रास एवं स्थिति सुधरवा पर दिल्ली रे प्रथम पर्याय
କଟକଣା କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସୋମବାରଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ସବୁ ପାର୍କ ଉଦ୍ୟାନ କ୍ଲବ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରେସ୍ତୋରାଁ ବାର୍ ଗୁଡ଼ିକୁ 50% କ୍ଷମତାରେ ସକାଳ 8ରୁ ରାତି 10ଟା ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବା ନେଇକି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ସମସ୍ତ ବଜାର ମଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସକାଳ 10ଟାରୁ ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେହେତୁ କରୋନା କେସେସ୍ କମ୍ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଦେଶର ରାଜଧାନୀରେ କରୋନା କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ଯେଉଁଠି ବି କୋଭିଡ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେବଳ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ଗଣାଯାଉଥିଲା, ଘରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁକୁ ହିସାବକୁ ନିଆଯାଉନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ବିହାର ପରି 6ଟି ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ତାଳମେଳ ନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନ ଦେବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟପାଠରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ୱାଇଫାଇ ଦିବସ ଅବସରରେ ରେଲୱେରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ରେଲଟେଲ୍ କାଶ୍ମୀର ଶ୍ରୀନଗର ସହିତ 15ଟି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ସାର୍ବଜନୀନ ୱାଇଫାଇ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛି। ଶ୍ରୀନଗର ସହ ବାରାମୁଲା, ହମ୍ରେ, ପଟନ, ମୋଝମ୍, ବଡ଼ଦାଗାମ, ପାମ୍ପୋର, ଅନନ୍ତନାଗ, ଅବନ୍ତିପୋରା, ବନିହାଲ ପରି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ୱାଇଫାଇ ଦିବସ ଅବସରରେ ଶ୍ରୀନଗର ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାର ଅନ୍ୟ 14ଟି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ୱାଇଫାଇ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ କରିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ୱାଇଫାଇ ନେଟୱାର୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ରେଳଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଦିଗରେ ଏହା ହେଉଛି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଦେଶରେ ସବୁ ନାଗରିକଙ୍କୁ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବ୍ୟାପକ ସ୍ତରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। 15 ନୂଆ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏହି ୱାଇଫାଇକୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ମୋବାଇଲ ସେବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକର ୱାଇଫାଇ ସଂଯୋଗର ସ୍ପିଡ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଏକାଥରେ କେବଳ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ରେଲୱେର 500 ଷ୍ଟେସନରେ ୱାଇଫାଇ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 6021ଟି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ୱାଇଫାଇ ସୁବିଧା, ପାଖାପାଖି 6021ଟି ଷ୍ଟେସନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ୱାଇଫାଇ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଥିବା ନେଇକି ଏକ ଖବର ରହିଛି। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।